सौतेली माँ और सौतेली बहन। कुछ समय पहले की बात है, एक खुशी नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ रेखा और अपनी सौतेली बहन रीना के साथ रहती थी। रेखा एक बहुत ही मतलबी औरत थी। वो अपनी बेटी रीना की बहुत अच्छे से देखरेख करती थी, वहीं दूसरी तरफ खुशी की तरफ जरा सी भी ध्यान नहीं देती थी और उसे पूरे दिन नौकरानी की तरह घर के काम करवाया करती थी। इसी तरह एक दिन खुशी किचन में सफाई कर रही थी, तभी पानी में फिसलकर खुशी गिर जाती है और उसको बहुत जोर की चोटें लग जाती है। खुशी का एक पैर खराब हो जाता है और वो लंगड़ी हो जाती है। उसके लंगड़े हो जाने के बाद सौतेली बहन उससे काम करवाना नहीं छोड़ती। उन दोनों को खुशी पर जरा सी भी तरस नहीं आता था। सुन खुशी, जल्दी से मेरी ये सुंदर सी ड्रेस प्रेस कर दे, मुझे शाम को पार्टी में जाना है। दीदी, मैं सुबह से काम करके थक गई हूँ और मुझे बहुत जोर से भूख भी लगी है। अभी मैं खाना खा रही हूँ, खाना खाने के बाद मैं आपकी ड्रेस प्रेस कर दूंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी के अभी मेरी ये ड्रेस प्रेस चाहिए। चल अपना खाना छोड़ और मेरी ये ड्रेस प्रेस कर दे। इतना कहकर रीना खुशी के खाने की थाली छीन लेती है और बेचारी खुशी मायूस होकर रीना की ड्रेस प्रेस करने लगती है, परंतु प्रेस ज्यादा गर्म होने की वजह से रीना की ड्रेस जल जाती है। ये देख खुशी बहुत परेशान हो जाती है। अरे, ये ड्रेस तो जल गई। अगर रीना को ये ड्रेस नहीं मिली तो वो तो मेरी जान ही ले लेगी। और वो रीना के लिए नई ड्रेस खरीदने बाजार जाती है। तभी खुशी को कुछ लड़कियां दिखाई देती है और वो लड़कियां खुशी का मजाक बनाने का फैसला करती है। अरे खुशी, तुम कहाँ जा रही हो? रीना की ड्रेस मुझसे प्रेस करते समय जल गई, मैं उसी को खरीदने बाजार जा रही हूँ। अरे, वो ड्रेस सामने उस दुकान पर मिलती है, थोड़ी दूर चलने के बाद तुम्हें वो दुकान मिल जाएगी। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन। उसके बाद खुशी जरा आगे चलने लगती है, तभी खुशी कीचड़ में गिर जाती है। ये देख वो लड़कियां बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। अपना मजाक उड़ाते देख खुशी को बहुत दुख होता है और वो धीरे धीरे उस कीचड़ से बाहर निकल जाती है और अपने घर वापस चली जाती है। दूसरी तरफ रीना अपने ड्रेस को जला हुआ पाकर वो बहुत गुस्सा होती है और खुशी के घर आने का इंतजार करती है। घर आने पर वो खुशी की बहुत पिटाई करती है। अगर आज के बाद तूने मेरी कोई सी भी ड्रेस चलाई तो मैं तेरी जान ही ले लूंगी, समझी? इतना डांट सुनकर खुशी वापस अपने कमरे में चली जाती है और रोते हुए कहती है, ये मुझे कैसे जिंदगी मिली है, इन दोनों माँ बेटियों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। जब देखो तब मुझे बिना बात के डांटती रहती है और मेरी पिटाई भी करती रहती है, अब मेरा क्या होगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, सुन खुशी, आज मेरा जंगल के मीठे फल खाने का बहुत मन कर रहा है, तो तू जंगल में जाकर मेरे लिए मीठे मीठे फल लेकर आ। दीदी, आपको तो पता ही है मैं लंगड़ी हूँ, मुझे इतनी दूर जंगल जाने में कष्ट होगा, पर आप मुझे वहाँ क्यों भेज रही हो? वहाँ पर तो खतरनाक जानवर रहते हैं, अगर किसी जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया तो मैं क्या करूँगी? अरे वाह, तब तो बहुत अच्छा होगा। अगर कोई जंगली जानवर तुझे मार कर खा जाएगा तो मैं तुझसे छुटकारा तो मिल जाएगा कम से कम। दीदी, मैं आपकी बहन हूँ, आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? अरे पागल कहेंगी, तू मेरी सौतेली बहन है, समझ गई ना? अगर तुझे मेरे इस घर में रहना है तो तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। अब जल्दी से जा और मेरे लिए जंगल से मीठे मीठे फल लेकर आ। बेचारी खुशी अपनी बहन की बात मानकर जंगल की ओर फल तोड़ने चली जाती है, लेकिन जैसे ही जंगल पहुँचती है उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। अब तो मैं तुझे मार कर तेरा स्वादिष्ट स्वादिष्ट मांस खाऊंगी। लेकिन मुझे मत खाओ, आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो और मुझे घर वापस जाने दो। लेकिन वह चुड़ैल खुशी की बातों में नहीं आती और खुशी को पकड़कर अपनी गुफा की ओर ले जाने लगती है। ये सब उस जंगल में रहने वाली नैन्सी परी देख रही होती है। वो परी तुरंत ही अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उस चुड़ैल को रस्सी से बांध देती है
और उसकी जादुई शक्तियाँ छीन लेती है। अरे ये क्या परी, तूने मुझसे मेरी सारी शक्तियाँ छीन ली। अभी तो मैंने सिर्फ तेरी शक्ति छीनी है, इससे पहले कि मैं तुझे खत्म कर दूं, चली जा यहाँ से। उसके बाद वह चुड़ैल डरकर भाग जाती है। परी खुशी को अपने साथ परीलोक ले जाती है। परीलोक में चारों तरफ बहुत सुंदर नजारा था और बहुत सारे फूल खिले हुए थे, जहाँ पर ढेर सारे हीरे मोती भी नजर आ रहे थे। परी अपनी जादुई शक्तियों से खुशी का पैर ठीक कर देती है और अब खुशी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अरे ये तो कमाल हो गया, अब मैं ठीक से चल सकती हूँ। मेरा पैर ठीक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। खुशी, मैं तुम्हें ये जादुई हीरा देना चाहती हूँ। इस हीरे की मदद से तुम्हें ढेर सारी शक्तियाँ मिलेंगी और अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और अब तुम हवा में उड़कर अपने घर जा सकती हो। ये सब सुनकर खुशी बहुत खुश होती है। उसके बाद खुशी हवा में उड़कर अपने घर वापस चली जाती है। खुशी अपनी जादुई शक्तियों से ढेर सारे सुंदर सुंदर ड्रेस प्रकट कर लेती है। अब मुझे किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं होगी, थैंक यू परी जी। लेकिन तभी वहाँ पर उसके सौतेली बहन और सौतेली माँ आ जाती है। अरे खुशी, तेरे पास अचानक से इतने सारे अच्छे अच्छे कपड़े कहाँ से आए और ये तेरे पैर ठीक कैसे हो गया? एक दयालु परी ने मेरा पैर ठीक कर दिया और उन्होंने ही मुझे जादुई शक्तियाँ दी है और अब मैं अच्छी तरह चल सकती हूँ। और अगर तुम दोनों ने मुझे परेशान करने की कोशिश भी की या मुझ पर अत्याचार किया तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। अरे अचानक तुझ में इतना अकड़ कहाँ से आ गया है? लगता है तेरी अकड़ ठिकाने लगानी पड़ेगी, रुक जा तू। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, आज कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही है। चलो इसकी सारी नखरे आज हम मिलकर उतार ही देते हैं और इसकी खूब पिटाई करते हैं। इसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर खुशी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी खुशी अपनी जादुई शक्तियों से दोनों माँ बेटी को बिजली के झटके देती है। आह, अरे मर गई रे, ये खुशी तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। मुझे माफ कर दो खुशी बेटा, मैं आगे से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगी। इतने दिनों से तुम दोनों माँ बेटी ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया है, मैं तुम दोनों को बिल्कुल माफ नहीं करूंगी और मैं तुम दोनों को इस घर में भी नहीं रहने दूंगी। चलो निकलो यहाँ से। फिर रेखा और रीना खुशी से डरकर वो गांव छोड़कर ही भाग जाते हैं। इस तरह फिर सब कुछ ठीक हो जाता है और अब खुशी अपने घर में सुकून से रहने लगती है। एक गांव में प्रीति और कोमल नाम की दो बहनें अपनी चाची के साथ रहते थे, क्योंकि बहुत समय पहले उनके माता पिता का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, इसलिए वो अपनी चाची के साथ रहती थी। उनकी चाची का नाम निर्मला था, जो दोनों बहनों पर बहुत अत्याचार करते थे। उनकी चाची की कोई संतान नहीं थी, फिर भी दोनों बहनों पर बहुत जुल्म किया करती थी। बहुत दिन हो गए हैं तुम दोनों बहनों को हराम का खाते खाते, अब से तुम दोनों बहनें मेरे घर का काम करोगी। प्रीति, तुम घर में झाड़ू पोछा, खाना बनाना और बर्तन धोने का काम करोगी और तू कोमल मेरे साथ सिलाई करेगी। समझ में आ गई तुम दोनों को मेरी बात? ऐसे ही दिन बीत रहे थे। प्रीति निर्मला के घर में झाड़ू पोछा, खाना बनाना और बर्तन धोने का काम किया करती थी और कोमल अपनी चाची के साथ सिलाई किया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। निर्मला का अत्याचार दिन पर दिन दोनों बहनों पर बढ़ता जा रहा था। एक दिन दोनों बहनें तंग आकर आपस में बातें करती हैं। कोमल, चाची का अत्याचार हमारे ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। हम उनके लिए कितना भी कुछ कर ले परंतु वो कभी हमसे खुश नहीं होती। हमें कुछ तो करना चाहिए। दीदी, आप सही कह रही हैं। मैं भी चाची के अत्याचार से बहुत परेशान हूँ, अब मुझसे और सहा नहीं जाता। कोमल, मैं सोच रही थी कि हमारे पास कुछ माँ के गहने रखे हुए हैं, क्यों ना हम उन्हें बेचकर कहीं किराए के घर पर रहने लगे और अपने लिए कोई काम शुरू कर ले। हाँ, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ दीदी, मुझे भी चाची के साथ रहकर सिलाई का काम बहुत अच्छे से आ गया है। अब हम अच्छे अच्छे लहंगे खुद सिलकर बेचेंगे। तभी उसकी चाची वहाँ आ जाती है और दोनों बहनों को साथ में बातें करते हुए देख कहती है, तुम दोनों बहनें एक साथ क्या कर रही हो? जरूर तुम दोनों बहनें मेरी चुगली ही कर रही होगी। प्रीति, तूने घर के काम खत्म कर लिए? जो यहाँ बकवास कर रही है खड़ी खड़ी। इतना कहकर निर्मला प्रीति को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बस बहुत हुआ चाची जी,
अब हम आपका और अत्याचार नहीं सहेंगे। तुम दोनों बहनों की जुबान बहुत चलने लगी है। अब मैं तुम दोनों बहनों को एक पल और बर्दाश्त नहीं कर सकती। चुपचाप मेरा ये घर खाली कर दो और निकल जाओ मेरे घर से। चाची जी, हम भी आपको यही कहने वाले थे। हम ये घर खाली करने जा रहे हैं और अब हम आपके साथ नहीं रह सकते। इतना कहकर अपने चाची का घर खाली कर देती है और वहाँ से अपनी माँ के जेवर लेकर सुनार की दुकान पर बेच देती है। गहने बेचकर उन्हें जो भी पैसे मिलते उनसे घर खरीद लेती हैं और एक लहंगे की दुकान खोल लेती हैं। दोनों बहनें दुकान पर बैठकर अच्छे अच्छे लहंगे सिलती थी। प्रीति छोटी बहन कोमल का एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देती है और कोमल स्कूल जाने लगती है और खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन कोमल अपनी दुकान पर प्रीति के पास आकर कहती है, दीदी स्कूल की टीचर मुझसे फीस मांग रही थी। कोमल बहन, तुम्हें तो पता ही है जब से हमने ये दुकान खोली है हमारा एक भी लहंगा नहीं बिका है। जैसे ही हमारा एक भी लहंगा बिकता है वैसे ही मैं तुम्हारे स्कूल की फीस भर दूंगी। ठीक है दीदी। फिर कुछ दिनों बाद प्रीति की दुकान पर एक लड़की लहंगा खरीदने आती है। ये लहंगा कितना सुंदर है, कितने का है ये लहंगा? क्या ये लहंगे तुम खुद बनाती हो? हाँ जी मैडम जी, ये लहंगा मैं और मेरी छोटी बहन खुद बनाते हैं और ये लहंगा सिर्फ 5,000 रुपए का है। क्या सिर्फ 5,000 रुपए? ये तो बहुत सस्ता है। मेरे लिए ये लहंगा पैक कर दो। प्रीति वो लहंगा उसके लिए पैक कर देती है। लहंगा लेने के लिए मैडम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दुकान पर कृपया जरूर आइएगा। ऐसे ही प्रीति की दुकान पर लहंगा लेने के लिए कस्टमर आते रहते हैं और प्रीति की दुकान अब खूब चलने लगती है। प्रीति अपनी बहन कोमल के स्कूल की फीस भी भर देती है और कोमल स्कूल में मन लगाकर पढ़ने लगती है। एक दिन प्रीति की दुकान पर एक महिला आती है। सुनो, मैंने तुम्हारे दुकान के बारे में बहुत सुना है। वाकई में तुम्हारी दुकान पर बहुत सुंदर सुंदर लहंगे हैं। मुझे कुछ लहंगों की आवश्यकता है, क्या तुम मेरे लिए 100 लहंगे बना दोगी? हाँ हाँ जरूर मैडम जी, हम आपका ये ऑर्डर समय पर पूरा कर देंगे। परंतु याद रहे, मुझे ये सारे लहंगे बहुत जल्द चाहिए। हाँ हाँ मैडम जी, हम आपके लहंगे को ऑर्डर से पहले ही पूरा कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, ये लो मैं लहंगों के ऑर्डर के कुछ पैसे एडवांस में देती हूँ। प्रीति का काम बहुत अच्छे से चलने लगता है। ये सब जब उसकी चाची को पता चलती है तो वो कुछ न कुछ करने की सोचती है। एक दिन प्रीति अपनी दुकान को ताला लगाकर अपने घर चली जाती है। उसके घर जाते ही निर्मला मौका देखती ही उसकी दुकान में आग लगा देती है और दबे पांव वहां से निकल जाती है। आग लगते ही वहां के लोग दुकान के पास इकट्ठा हो जाते हैं। उनमें से एक प्रीति को फोन करके दुकान की खबर देता है। प्रीति और कोमल दोनों बहनें दुकान पर आ जाती है। दुकान को जलता देख दोनों बहनें बहुत उदास हो जाती है। प्रीति को इतना बड़ा नुकसान देखकर बहुत बड़ा झटका लगता है और वो मैडम के ऑर्डर के बारे में सोचने लगती है कि अब वो कैसे उस ऑर्डर को पूरा करेगी। प्रीति और कोमल को कुछ समझ नहीं आता और वो नदी में कूदकर अपनी जान देने का फैसला करती है। वो दोनों बहनें नदी के पास जाती है और जैसे ही वो नदी में कूदने की कोशिश करती है तभी उन्हें परी बचा लेती है और कहती है, ये तुम दोनों बहनें क्या करने जा रही थी? तुम दोनों बहनें अपने जीवन से हार नहीं मान सकती। तुम दोनों बहनों ने बहुत मुश्किलों से अपनी जिंदगी में इतनी सफलता पाई है और तुम दोनों बहनें अपनी जान देने की सोच रही थी। तुम दोनों बहनों के साथ जो भी हुआ है वो सब मुझे पता है कि ये किसने किया है। परंतु तुम दोनों बहनें अब निराश मत हो, निराश होने से कुछ नहीं होगा। मैं तुम दोनों बहनों की सहायता करने आई हूँ। तुम दोनों बहनों के लिए मैं ये 2 जादुई लहंगों का घर लेकर आई हूँ। ये कोई मामूली लहंगा नहीं बल्कि ये लहंगा जादुई है। ये लहंगा तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। तुम इस घर से जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा और ये जादुई लहंगे का घर तुम्हारी सुरक्षा भी करेगा। दोनों बहनें उस जादुई लहंगे के घर के अंदर जाती है। अंदर जाकर देखती है कि लहंगे के घर में बहुत सारा सोना चांदी और खाने पीने का स्वादिष्ट खाना है और ढेर सारे सुंदर सुंदर लहंगे भी है। ये सब देखकर प्रीति और कोमल दोनों बहुत खुश होती है और वो दोबारा से अपने लहंगे की दुकान शुरू कर देती है। वो मैडम से लिया हुआ ऑर्डर भी पूरा कर देती है जिसके बदले मैडम उसे बहुत सारे रुपए देती है।
उन रुपयों की मदद से प्रीति अपनी दुकान में लहंगों की अच्छी अच्छी कलेक्शन बनाती है और उसकी दुकान पूरे गांव में फेमस हो जाती है। इसी तरह दोनों बहनें उस लहंगों के घर में हंसी खुशी से रहने लगती है और अपनी आगे की जिंदगी उस लहंगे के घर में बिताती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।